हेलो दोस्तों, मैं हरीश और आज हम चलेंगे ब्लैक होल के अंदर। ये कोई आरामदायक नहीं होगा पर मज़ा ज़रूर आएगा। अब पहले अगर मैथमेटिकली कहा जाए कि हम किसी भी चीज़ को इतना कंप्रेस कर दें कि वह एक चने के जितना हो जाए तो वह एक ब्लैक होल बन सकता है। हाँ, ये सही है। आप, मैं और हर वो चीज़ जो इस ब्रह्मांड में श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस के नाम से जाना जाता है, अगर किसी भी चीज़ को एक छोटे से छोटे स्पेस वाले चीज़ के जितना कंप्रेस कर दें तो उसका डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा कि लाइट तक उससे बाहर नहीं आ पाएगा और आपके पास जो होगा वो एक ब्लैक होल होगा। अगर आप माउंट एवरेस्ट को एक नैनोमीटर के बराबर कंप्रेस कर दें तो आपके पास एक ब्लैक होल होगा, और अगर आप पूरे पृथ्वी को एक फल्ली के दाने के बराबर कंप्रेस कर दें तो आपके पास एक ब्लैक होल होगा। पर किस्मत से हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ऐसा कर सकें। पर एक स्टार जो कि सन से बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जब उसके पास उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो जाती है और जब वो और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तब वो खुद ही एक बहुत ही छोटे पॉइंट के जैसा हो जाता है जिसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी उतना स्ट्रांग होगा कि उससे कुछ भी बच के बाहर नहीं जा सकेगा, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। ब्लैक होल कैसे बनता है इसके बारे में तो बहुत हो गया, चलो अब इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये बाहर से कैसे दिखता है? ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स स्पेस और टाइम को डाइवर्ट कर देते हैं। वो स्टार्स जो हमारे सन के ठीक पीछे रहते हैं वो असल में अर्थ से थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पर दिखेगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्स से आने वाले लाइट्स को बेंड कर देगा। जब किसी विशाल चीज के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आती है, जैसे कि पूरे गैलेक्सीज की, तो इस चीज के लिए ब्लैक होल का इफेक्ट और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। जो लाइट्स उसके पीछे से आती हैं वो बहुत ही बिगड़े हुए रहते हैं, तो जैसा कि उसे दिखना चाहिए वो ना दिखकर वो एक अंगूठी के आकार का दिखता हुआ पूरी तरह से रेड गैलेक्सी को घेरे हुए है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब एक सिमुलेशन देखिए जिसमें ब्लैक होल एक गैलेक्सी से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है। असल में गैलेक्सी को ब्लैक होल के निकल जाने का कोई खतरा नहीं है, बल्कि उस गैलेक्सी से जो लाइट निकल रहा है उसे जरूर है। देखिए, जैसे ही ब्लैक होल गैलेक्सी के बीच से पास होता है उसके लाइट का रास्ता बिगड़ते जाता है। अब एक मजा आने वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, क्या होगा अगर अर्थ सन को छोड़कर ब्लैक होल का चक्कर लगाए। बाहर से देखने पर अर्थ तो पहले नॉर्मल दिखेगा, पर जैसे ही वो ब्लैक होल के अंदर जाने लगेगा, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ से निकलने वाले लाइट को खींचने लगेगा, जिससे ये पैदा होगा। इसे और सिंपल तरीके से समझने के लिए चलिए एक सिंपल ब्लैक होल के अंदर चलते हैं, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है और जो मूव भी ना कर रहा हो, और वो पहले से ही बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर भी ना ले रहा हो, तो वह सिर्फ अपनी जगह में चुपचाप रहेगा। जैसे ही हम उसके पास जाते जाएंगे वैसे ही आकाश और भी बिगड़ता चला जाएगा। हमारे देखने का क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ विजन का बड़े से बड़ा हिस्सा जो ब्लैक होल को देख रहा है वो अंधकार से भर जाएगा। इस जगह पे जहां हमारे आधे देखने का क्षेत्र अंधकार से भर चुका है, हम लोग फोटोन स्फीयर पहुंच चुके हैं। इस जगह पे जरूरी नहीं है कि लाइट ब्लैक होल के कब्जे में चला जाए, पर यह भी जरूरी नहीं है कि वो छूट के भी आ सके। बजाय इसके स्पेस के इस जादुई जगह पे लाइट्स फोटॉन्स ब्लैक होल के चक्कर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ा बाजू देखें तो आप थियोरेटिकली अपने सिर के पीछे देख सकते हैं, क्योंकि लाइट अपने सिर के पीछे से रिफ्लेक्ट होगा, वो ब्लैक होल के चक्कर लगा के आपको फिर से दिखेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ स्पेस को नहीं खींचता बल्कि टाइम को भी खींचता है, पर यहाँ धरती पर हमें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ब्लैक होल के पास ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा कि जो आपको बाहर खड़े होकर देख रहा होगा वो कुछ अजीब दिखेगा। वो आपको देखेगा कि आप बहुत जल्दी अंदर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो देखेगा कि आपके अंदर जाने का प्रोसेस धीरे से और धीरे होता जा रहा है, जब तक कि आप एक पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह स्पेस का वो पॉइंट है जहां एक बार क्रॉस कर गए तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं है। ये वह पॉइंट है जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकता, और इसलिए जो इंसान आपको उसमें गिरते हुए देख रहा है उसको लगेगा कि आपका जर्नी वहीं खत्म हो गया। पर आप कैसे दिखेंगे? जैसे आप स्पेस में बर्फ की तरह जम गए हों। जो लाइट आपके बॉडी से निकल रही होगी वो रेड कलर की ओर शिफ्ट होती जाएगी जब तक कि आप पूरी तरीके से गायब ना हो जाएं। वो आपको कभी इवेंट होराइजन क्रॉस करते नहीं देख पाएंगे, पर आपके लिए सब चीज एकदम नॉर्मल होगा और बहुत मजा आएगा। आप इवेंट होराइजन क्रॉस करते हुए और अब अटल मृत्यु की ओर बढ़ते जाएंगे।
जैसे ही आप आगे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ते जाएंगे, आपके पूरे ब्रह्मांड को देखने का व्यू एक छोटे से छोटे स्पेस में कंप्रेस होता जाएगा। अगर आप एक ऐसे ब्लैक होल में कूदने जा रहे हैं जो कि बहुत विशाल है, चीजें इवेंट होराइजन के पास काफी कंफर्टेबल हो सकती हैं। हम जानते होंगे कि हम उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, पर इसमें काफी घंटे लग सकते हैं ये शुरू होने में, जहाँ पर हमें तकलीफ होने लगेगी। तकलीफ क्यों होगी? सिंगुलैरिटी के आप जितने करीब जाते जाएंगे, उतना ही आप ग्रेविटेशनल पुल में फर्क महसूस करेंगे अलग अलग स्पेसेस में। तो मेरा वो पार्ट जो सिंगुलैरिटी के ज्यादा करीब है, वो ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा इसके कंपैरिजन में जो कि पार्ट्स थोड़े दूर हैं। और मेरा पूरा शरीर बहुत ज्यादा तनाव में होगा जब सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ेगा। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा अविश्वसनीय होगा, साइंटिस्ट इसको तनाव नहीं कहते, वे इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, आप मर जाएंगे। आपके मॉलिक्यूल्स वहाँ की खींच तान में अलग अलग हो जाएंगे, और जब वो सिंगुलैरिटी में पहुँचेंगे, तब हमें पता नहीं असल में क्या होगा। शायद फिजिक्स के लॉज के खिलाफ वो पूरी तरीके से गायब हो जाएं, या वो यूनिवर्स के किसी और जगह पे प्रकट हो जाएं। ये माना जाता है कि एक चलता हुआ या घूमता हुआ ब्लैक होल एक और चीज बनाता है, जिसे कहते हैं वर्म होल। एक स्पेस में दूसरे जगह लाइट से भी तेज जाने का तरीका, यहाँ पर साइंस के नियमों को तोड़कर नहीं, बल्कि यूनिवर्स के डायमेंशंस का फायदा उठाकर। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूं, तो मुझे इतना दूरी तय करना होगा। पर थ्योरेटिकली एक वर्म होल कुछ कमाल की चीज करता है, वो है ये। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अगल बगल हैं, और मैं ये दूरी बहुत ही कम समय में तय कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये सब थ्योरेटिकल बातें। किस्मत से हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जिससे हम ब्लैक होल को एनालाइज कर सकते हैं, द डंब होल। ठीक वैसा ही जैसा कि ब्लैक होल लाइट को बाहर जाने नहीं देता, एक डंब होल साउंड के लिए ब्लैक होल है, यह साउंड को बाहर जाने नहीं देता। हमारे साइंटिस्ट ने डंब होल लेबोरेटरी में बनाने में सफलता हासिल कर ली है, ऐसे तरल चीजों का इस्तेमाल करके जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अब भी बहुत सी चीजें बची हुई हैं एकॉस्टिक ब्लैक होल की दुनिया में, पर शायद हम बहुत से इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने में सक्सेस हो जाएं कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, इसको देखते हुए कि साउंड कैसे बिहेव करता है डंब होल में। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल और आता है, जब कोई लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो कैसे दिखता है, मान लो सन की ओर। हाँ, आश्चर्य की बात है कि आप सन को ही अपनी ओर बहुत तेजी से आते हुए देखेंगे। नहीं, असल में शुरुआत में ऐसा दिखेगा कि सन हमसे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। आप ऐसा फील करेंगे कि आप अपने ठीक पीछे वाले चीज को भी देख पा रहे हैं, इसलिए जैसे ही आप वहां बैठेंगे, मूव नहीं करेंगे, सन को देखते रहेंगे, वहां लाइट आपके पीछे से आ रही होगी। जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तब आप देखेंगे कि लाइट आपके पीछे वाली चीजों से भी आ रही है। पर आप इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, या यूं कहें कि इस ब्रह्मांड का सेंटर कहां पर है? तो ये कुछ पागलों की तरह लगेगा, पर ये हर जगह पर है। ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस यूनिवर्स में कहां पर हैं, हर एक चीज ऐसा दिखेगा कि आप वह आपसे दूर जा रहा है, फैल रहा है एक ही गति से। ब्रह्मांड फैल रहा है, पर ऐसा नहीं जैसा एक बैलून बड़े से बड़ा होता जाता है, जैसा सब महसूस करेंगे जब वो उसके बाहर होंगे। इसके बजाय जब हम बैलून के अंदर होंगे तब महसूस करेंगे। जब एक बैलून में बहुत से छेद कर दें और उसे फोड़ दें, फिर सारे छेद एक ही गति से अलग अलग हो जाते हैं और बैलून के सरफेस पर कोई सेंटर नहीं बसता। तो जब आप ब्लैक होल में अकेले और डरावने ढंग से मर रहे होंगे, जब आप आसमान की ओर देखेंगे, तो इस बारे में सोचें, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, आप कौन हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा है, आप असल में एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं। फाइनली, क्या होता अगर हमारे यूनिवर्स का लेंथ एक गूगल प्लेक्स मीटर होता? ये अभी तक इतना बड़ा नहीं है, पर अगर ये इतना बड़ा होता तो कितना विशाल होता? कि नंबर्स के अकॉर्डिंग ये एकदम इम्पॉसिबल के बराबर होता कि आपका इस ब्रह्मांड में कोई एक और एग्जैक्ट कॉपी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।